कल अपने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू सॉयल। इंट्रोडक्शन टू सॉयल के अंदर अपने सॉयल की डेफिनेशन की बात की थी, समझा नहीं था ना उसे, लेकिन अपने सॉयल साइंस की डेफिनेशन की बात कर ली थी और उसके साथ साथ हमने थोड़ा पेडोलॉजी और एडफोलॉजी पे भी डिस्कस किया था। आज अपने बात करते हैं कि सॉयल फॉर्मेशन होता कैसे है। हालांकि हम आज किसी पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं कवर करने वाले हैं, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे ना, वो आपके अर्थ क्रस्ट को भी क्लियर कर देगा, रॉक्स को भी क्लियर कर देगा, मिनरल्स है उसको भी क्लियर कर देगा, और सॉइल फॉर्मेशन है उसको भी क्लियर कर देगा। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहिए। देखिए, अगर हम कल मैंने आपको बताया था कि सॉइल ओरिजिन को, सॉरी अर्थ ओरिजिन को लेकर, धरती की उत्पत्ति को लेकर बहुत सारे हाइपोथेसिस, अजम्पशंस, अवधारणाएं देखने को मिलती है, ठीक है। उनमें से सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ मिलती है वो मैंने बताया था कि अर्थ है वो एक सन का ही टुकड़ा है, पीस है, ठीक है। धीरे धीरे हजारों करोड़ों सालों में क्या है, ये ठंडा हुआ है, फिर इस पे क्या है जो है वो जीवन संभव हुआ है, यानी मतलब इस पर ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप हुए हैं। अब वो चीज तो चलो ठीक है, इसके अजम्पशन को लेकर बात थी। अब हम बात करते हैं अर्थ की स्ट्रक्चर की। अब स्टूडेंट ऐसा ना सोचिए कि अर्थ की स्ट्रक्चर हमारे किस काम की, बहुत काम की है। अगर आपको अर्थ की स्ट्रक्चर का एक मोटा मोटा आइडिया है तो सॉइल को आप चुटकियों में पढ़ते रहोगे। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, आजकल जो क्वेश्चन आने का पैटर्न है वो बहुत चेंज हो चुका है। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है तब तक आप जनरली क्या है, कोई भी एग्जाम है वो फाइट नहीं कर पाएंगे। अर्थ की अगर अपने बात करें और अर्थ का हम वर्टिकल सेक्शन काटें, यानी उसकी रेडियल जो त्रिज्या है वो काटें, अर्थ का वर्टिकल सेक्शन बनाएं, ये वर्टिकल सेक्शन, और कहां तक, सेंटर पॉइंट। अगर हम अर्थ का वर्टिकल सेक्शन काटे यानी उसके सेंटर पॉइंट तक, अगर हम अर्थ की त्रिज्या की बात करें तो कल मैंने आपको बताया था इसकी जो लंबाई होगी वो 6378 किलोमीटर, यानी 6378 किलोमीटर होगी, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर डाया बात करोगे तो जस्ट डबल कर दोगे, अगर डाय की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। तो वो तो हमने कल डिस्कस कर लिया था। अब आपने इसका वर्टिकल सेक्शन देखो, काट तो नहीं सकते, अजम्पशन ही है ना। जब आप इसका वर्टिकल सेक्शन देखते हैं तो आपको इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर है वो देखने को मिलती है। सबसे जो ऊपर की लेयर होती है उसको आप बोलते हैं अर्थ क्रस्ट, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसको आप बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। देखिए स्टूडेंट, अर्थ क्रस्ट क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, यानी धरती के सबसे बाहर की जो परत होती है उसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट, या फिर आप क्या बोलते हैं, भूपपड़ी बोलते हैं। ऑनलाइन एग्रीकल्चर आपके लिए लाया है MPRAU का न्यू बैच, जिसमें आपको मिलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस। जो लाइव होगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगी, लेकिन इसके अलावा रिकॉर्डेड का पैकेज आपको एक साथ पहले से भी मिल जाएगा, ताकि आप पहले ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो बहुत जल्दी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हालांकि लाइव क्लासेस के जरिए आपका सिलेबस 15 जो जुलाई को एग्जाम होना उससे पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा इस पैकेज में आपको मिलेगी कंप्लीट बुक्स जो सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे भिजवाई जाएगी। इसके अलावा कंप्लीट PDF एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगा और साथ ही साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट भी रहने वाले हैं, और ये पैकेज है आपका 7000 रुपीज का। लेकिन जो फर्स्ट 300 स्टूडेंट है, यानी शुरू के जो 300 बच्चे हैं, उनको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, और इस डिस्काउंट का फायदा उठाने के लिए RAEO20 कूपन कोड का इस्तेमाल करें, और इससे जो आपका कोर्स का प्राइस हो जाएगा वो 5600 रुपए हो जाएगा, और इसका जो मीडियम रहेगा वो बायलिंगुअल रहेगा, यानी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
ये कोर्स कहां से एक्सेस करेंगे? आपकी अपनी एप्लीकेशन, ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन, जिसे आज ही डाउनलोड करें। कोर्स तो है ही है, इसके अलावा इस एप्लीकेशन पे बहुत सारी फ्री क्विजेस डेली बेसिस चलती है और बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप ऑनलाइन कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो इसका पैकेज भी आपको ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे मिलेगा। और सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहते हैं यानी मॉक टेस्ट चाहते हैं तो भी ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, REO के जो एग्जाम है उसमें 200 अंक का पेपर रहेगा, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों हैं, और दोनों के दोनों इसमें कंप्लीट आपको कवर करवाए जाएंगे। तो आज ही डाउनलोड करें ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन और अपने भविष्य को सुरक्षित करें। थैंक यू। अब देखो, बाकी जो अर्थ है उससे हमने इसको अलग किस आधार पे किया है, किस बेसिस पे किया है, क्योंकि ये जो अर्थ क्रस्ट होती है ना, ये नॉन मेटालिक होती है। कहने का मतलब नॉन मेटल्स होते हैं, अधातु होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और धातु होते हैं, मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ऐसी जो लेयर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, अर्थ क्रस्ट बोलेंगे, भूपपड़ी बोलेंगे। इसमें नॉन मेटल है यानी अधातु है वो क्या होंगे, कम होंगे, वो अधातु है वो ज्यादा होंगे। इस अर्थ क्रस्ट की मोटाई के लिए यानी इसकी जो थिकनेस है उसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग मानना है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो है वो लगभग इसी रेंज में आते हैं कि इसकी जो मोटाई है, या मेरा कहने का मतलब इसकी जो थिकनेस है वो कितनी मानी जाती है, 5 to 60 किलोमीटर है वो मानी जाती है। और कुछ साइंटिस्ट का जो पक्ष है वो 0 to 100 किलोमीटर भी है, लेकिन आपको ये याद रखना है 5 to 60 किलोमीटर की इसकी डेप्थ होती है या थिकनेस होती है। बस ऐसा है कि अगर आप सी लेवल पे हैं तो ये थिन होगी यानी पतली होगी, और हिली एरिया में है तो यहाँ पे थिक होगी यानी मोटी होगी, इसीलिए इतना वेरिएशन लिखा है 5 to 60 किलोमीटर। लेकिन आप टोटल अर्थ की रेडिकल देखो, तिरजा देखो, इसका कितना परसेंट है, वो 1% से भी कम है, क्योंकि इसका अगर परसेंटेज आप 1% भी निकालोगे तो 63 किलोमीटर आ जाएगा, 1% निकालोगे तो भी 63 किलोमीटर आ जाएगी, तो 5 to 60 किलोमीटर के बीच में है। तो इसका मतलब क्या है, जो अर्थ क्रस्ट है, भूपपड़ी है, वो टोटल अर्थ के वॉल्यूम का, पूरे धरती के आयतन का 1% से भी कम होता है, 1% से भी कम होता है। अर्थ क्रस्ट टॉपिक है आपके, आगे पढ़ना है आपको, लेकिन आपको समझ में यहीं पे आ जाएगा बेसिक है। फिर तो ये पढ़ना है कि इसमें ऑक्सीजन होता है वो 46.6% होता है, सिलिका 27.7% होता है, बस इस तरह की बातें, कुछ ज्यादा बातें नहीं करनी है इसमें। तो सबसे जो ऊपर की लेयर, मैं अर्थ क्रस्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अर्थ की स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं, इसलिए बीच बीच में जो भी चीजें आएंगी उनके बारे में बता रहा हूं। आप ऐसे मत समझिए कि अर्थ क्रस्ट तो बहुत दो ही लाइनों में, एक ही लाइन में सल्टा दिए, नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि सोयल फॉर्मेशन है वो कैसे होगा, सिर्फ इतनी बात बताने के लिए ये पूरे का पूरा अपने यहां पर डिस्कस करें। तो अर्थ क्रस्ट है वो 5 to 60 किलोमीटर की डेप्थ का होता है, सी लेवल पे सबसे थिन होता है, पतला होता है, और थिक सबसे ज्यादा, मोटा सबसे ज्यादा आपको हिली एरिया के अंदर है वो देखने को मिलता है। अब जस्ट इसके नीचे की जो लेयर होती है, जस्ट जो इसके नीचे की लेयर होती है वो भी सॉलिड ही है। अर्थ क्रस्ट सॉलिड है भाई, ठोस है। अर्थ क्रस्ट है वो कैसा है, सॉलिड है। और जस्ट इसके नीचे की जो लेयर है ना वो भी कैसी है, सॉलिड है। जस्ट जो नीचे की लेयर है ना वो भी सॉलिड है, जिसको हम बोलते हैं आउटर मेटल लेयर, पाहे धात्विक परत। देखो आउटर क्यों बोला, कारण बताते हैं अभी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आउटर मेटल लेयर, बाह्य धात्विक परत, बाह्य धात्विक परत। अगर हम इसकी डेप्थ में जाते हैं, अगर हम क्या है इसकी डेप्थ में जाएंगे, तो इसकी जो डेप्थ है ना वो हो जाएगी 200 किलोमीटर, सरफेस से 200 किलोमीटर, यानी इस कोने से यहां तक चलोगे तो ऑलमोस्ट ये क्या है, 200 किलोमीटर है। अब देखो, हमने इसको अर्थ क्रस्ट से अलग क्यों किया, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में नॉन मेटल ज्यादा था, अधातु ज्यादा था, और इसमें मेटल क्या है, ज्यादा है, इसलिए हमने इसको मेटालिक लेयर बोल दिया, यानी धात्विक परत बोल दिया। आगे और भी मेटल की लेयर है, लेकिन वो इससे डिफरेंट है, इसलिए हमने इसको आउटर मेटल लेयर बोल दिया, यानी बाह्य धात्विक परत बोल दिया। इसके बाद अंदर चलें अपने। अब देखो, धरती के अंदर जैसे जैसे आप बढ़ते हो वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है, जैसे जैसे अंदर की तरफ चल रहे हो वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। अब देखिए, इसके जस्ट जो नीचे परत होगी, इसके नीचे की जो लेयर होगी वो भी स्टूडेंट मेटल की ही लेयर होती है, लेकिन इतना टेम्परेचर बढ़ चुका है कि वो लिक्विड फॉर्म में आ चुकी है,
इतना टेम्परेचर बढ़ चुका है कि वो लिक्विड फॉर्म में आ चुकी है, तरल अवस्था में आ चुकी है, इसको आप बोलेंगे इनर मेटल लेयर। इनर मेटल लेयर बोलते हैं, यानी आंतरिक धात्विक परत बोलते हैं, आंतरिक धात्विक परत बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनर मेटल लेयर और आउटर मेटल लेयर आपने किस बेसिस पे अलग की? ये तो इनर वाली है, वो तो कैसी है? ये तो लिक्विड है, तरल है, और ये बाहर वाली जो है आउटर मेटल लेयर है, ये कैसी होती है? सॉलिड होती है। यहां से आपको रॉक्स, मिनरल सब क्लियर हो जाएगा। एक बार बस अपने स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो ये कैसी फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म के अंदर है। कौन सी? इनर मेटल लेयर है। अब हमेशा ध्यान रखना कि जो लिथोस्फेयर होता है ना, वो अर्थ का सिर्फ सॉलिड पार्ट ही को ही होता है। लिथोस्फेयर अर्थ के सिर्फ सॉलिड पार्ट को ही कहते हैं। मिट्टी सॉरी धरती का जो कठोर भाग है ना, जो लिक्विड नहीं है, ठोस भाग है, कठोर क्या सॉरी ठोस भाग जो है, जो अर्थ का ठोस पार्ट है, धरती का जो ठोस पार्ट है, यानी सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ है, वो ही लिथोस्फेयर होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब यहां लिथोस्फेयर कौन सा है? अगर आपको लिखना पड़ जाए लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर क्या है, तो आप बोलेंगे अर्थ क्रस्ट यानी भूपपड़ी प्लस इनर मेंटल लेयर, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, सॉरी इनर क्या, आउटर, आउटर सॉरी, क्या बोलेंगे, आउटर मेटल लेयर, अर्थ क्रस्ट यानी भूपपड़ी प्लस बाह्य धात्विक परत, यही सॉलिड है भाई, उसके अलावा सॉलिड नहीं है, उसके बाद तो लिक्विड स्टार्ट हो गया, बाह्य धात्विक परत। अगर आपसे पूछे लिथोस्फेयर क्या है, तो आप बोलेंगे धरती में जो सॉलिड पार्ट है ऊपरी ऊपर, उसको लिथोस्फेयर बोलते हैं ना, जिसपे अपने रहते हैं, सरफेस के उसके ऊपर रहते हैं। तो लिथोस्फेयर में क्या आ जाएगा, अर्थ क्रस्ट भी आ जाएगा और आउटर मेटल लेयर भी आ जाएगा, यानी ये दोनों भाग मिलकर, ये दोनों भाग मिलकर क्या बनाते हैं, लिथोस्फेयर बनाते हैं। तो अब आपसे पूछ ले लिथोस्फेयर क्या, आप बोलेंगे अर्थ क्रस्ट प्लस आउटर मेटल लेयर यानी भूपपड़ी प्लस बाह्य धात्विक परत है। आपसे पूछ ले लिथोस्फेयर की डेप्थ कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 200 किलोमीटर होती है। उसके बाद तो अर्थ के अंदर कैसी स्ट्रक्चर आ जाती है, लिक्विड स्ट्रक्चर है वो आ जाती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अपने चले, ये अंदर की कोर है, कोर कोर बोले तो एज है, ये अंदर का एज है, ठीक है। बाहर के एज को तो आपने क्या बोला, अर्थ क्रस्ट बोला, ये अंदर का एज है यानी अंदर का किनारा है। इसमें भी मेटल है लेकिन इसमें नंबर ऑफ मेटल कम है, नंबर ऑफ मेटल कम है, और ये भी दो फॉर्म में देखने को मिलती है आपको। जो बाहर वाला है उसको बोलेंगे आप आउटर कोर, हाँ एक चीज आपको बतानी और रहेगी, इनर मेटल लेयर है इसकी जो डेप्थ होती है ना वो होती है 2900 किलोमीटर तक होती है, 2900 किलोमीटर तक होती है इनर मेटल लेयर की जो डेप्थ होती है। आउटर मेटल लेयर की कितनी थी, 200, और इनर मेटल लेयर की कितनी है, 2900 किलोमीटर है। और यहाँ टेम्परेचर बहुत है इसलिए सब कुछ मेल्ट हो गया है, सब कुछ लिक्विड हो गया है, और इनर मेटल लेयर के अंदर अगर आप टेम्परेचर देखेंगे तो लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 3000, और आपको ही पता है 1700 डिग्री सेल्सियस में तो ऑलमोस्ट जितने मेटल है उनका मेल्टिंग पॉइंट यानी उनका जो गलनांक है वो आ जाता है, यानी सारे पिघल जाते हैं। इसीलिए तो क्या है, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर है, इसीलिए तो इनर मेटल लेयर है वो कौन सी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन ये भी ध्यान रखना जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर और इंक्रीज होगा। और मैंने कहा जो सबसे सेंटर में है वो कौन सा पार्ट है, कोर पार्ट है। जो सबसे सेंटर में है वो कौन सा पार्ट है, कोर पार्ट है। तो अब ये कोर में भी हमने दो भागों में बांट दिया, ये क्या होगा, आउटर कोर होगा, ये क्या होगा, आउटर कोर। अगर हम आउटर कोर की डेप्थ देखें यानी बाह्य कोर की डेप्थ देखें तो इसकी जो डेप्थ होती है वो कितनी होती है, 5100 किलोमीटर तक होती है, कितनी होती है, 5100 किलोमीटर तक होती है। और आउटर कोर तक पहुंचोगे ना तब तक टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इनर मेटल लेयर में तो कितना था, 3000 डिग्री सेल्सियस था, अब और अंदर चले गए तो टेम्परेचर और बढ़ गया, कितना, 4000 डिग्री सेल्सियस। ये आउटर कोर है, आउटर कोर भी कैसा होगा, इतना टेम्परेचर है तो ये भी लिक्विड फॉर्म में ही होगा। कौन सी फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में, यानी तरल अवस्था के अंदर ही होता है। क्यों, क्योंकि यहां भी टेम्परेचर क्या है, 4000 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन फिर इनर मेटल लेयर और बाह्य आउटर कोर को
अलग कैसे किया गया? देखो जो इनर मेटल लेयर होती है ना, इसका कंपोजिशन में नंबर ऑफ मेटल है वो क्या है, ज्यादा होते हैं, और लेकिन कुछ इसके अंदर नॉन मेटल भी होते हैं लेकिन ज्यादा मेटल होते हैं। आउटर कोर में यही माना जाता है कि सिर्फ मेटल होते हैं, आउटर कोर में सिर्फ मेटल होते हैं, कोई नॉन मेटल नहीं होता है यहाँ पे। तो इस बेसिस इन दोनों को अलग कर दिया गया। चलो ये पढ़ना हमारा काम नहीं है, है ना, ये जियोलॉजिकल जो साइंटिस्ट होते हैं उनका काम है। अब जो अंदर वाला पार्ट है वो इनर कोर है, जो आउटर कोर है उसकी डेप्थ कहां तक है, 5100 किलोमीटर, और टेम्परेचर कितना हो गया, 4000 डिग्री सेल्सियस तक। सेंटर में आप चले जाओगे तो सेंटर का जो टेम्परेचर है, इनर जो कोर है, इनर कोर कहां तक होगा, त्रिज्या लिखी थी तो थी हमने 6378 किलोमीटर, 6378 किलोमीटर तक क्या है, इनर कोर है। इसको आप बोल देते हैं इनर कोर, ये हो गया इनर कोर, जिसको आप आंतरिक कोर बोल देते हैं, आंतरिक कोर। कोर कौन से शब्द से, एज से आया हुआ है, एज यानी किनारा होता है ना, ये आंतरिक कोर है। इसकी डेप्थ 6378 किलोमीटर है, ठीक है, और यहां टेम्परेचर जाते जाते 5000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना टेम्परेचर हो जाता है, 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। और अब इसका मतलब इसकी फॉर्म कैसी होनी है, इतना तापमान है, इससे ऊपर वाली में 4000 था, इससे ऊपर वाली में 3000 था, वो लिक्विड थी, तो ये क्या होगी, लिक्विड नहीं होगी, ये सॉलिड होती है। ये कैसी होती है, सॉलिड होती है, ध्यान रखिएगा। कारण क्या, इतना टेम्परेचर होने के बाद भी कारण क्या है, देखो इसमें है हैवी मेटल। कौन कौन सा हैवी मेटल है भाई इसमें, एक तो निकिल है, एक आयरन है, ये बहुत हैवी होते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आ जाता है, गलनांक तो आ जाता है, लेकिन इनकी वेस्कोसिटी नहीं आती है, ये पिघल के कभी नहीं चलेंगे, ये पिघल के कभी भी नहीं चलने वाले हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग तो आ जाता है लेकिन ये हिलते नहीं। आपने देखा होगा अगर चांदी से कुछ बनाना होता है तो इसे पिघला लिया जाता है और किसी फ्रेम में डाल देते हैं और वो शेप ले लेती है। सोना तांबा इनमें ऐसे ही शेप दिया जाता है। लोहे को आयरन को शेप देना होता है पूरा गर्म करने के बाद, उसको पीट पीट के ही शेप देना पड़ता है क्योंकि उसमें कभी भी वेस्कोसिटी नहीं होती है। तो ये हैवी मेटल होते हैं। तो इनर कोर जो होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, नाइफ लेयर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि निकिल और आयरन जैसे हैवी मेटल है, निकिल और आयरन जैसे इसके अंदर हैवी मेटल होते हैं, निकिल और आयरन जैसे हैवी मेटल होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नाइफ लेयर बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नाइफ लेयर है वो कहते हैं, ठीक है। जो इनर कोर होती है, आंतरिक कोर होती है, उसको नाइफ लेयर, और ये सॉलिड होती है। अब इतनी चीजें अगर आपने थोड़ी बहुत भी ध्यान दिया है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो अर्थ है उसके ऊपर वाला पार्ट तो कैसा है, सॉलिड है, बीच वाली ये जो दो लेयर है ये कैसी है, लिक्विड है, और जो ये अंदर वाली लेयर है वो कैसी है, सॉलिड है। यानी सबसे बाहर सॉलिड, बीच में लिक्विड, और सबसे सेंटर में क्या होगा, सॉलिड। ये कंडीशंस आपको देखने को मिलती है, किसमें, अर्थ में देखने को मिलती है। कभी भी आप अर्थ की स्ट्रक्चर देखोगे तो हमारे काम इतनी ही स्ट्रक्चर आने वाली है, इससे ज्यादा हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए सबसे आउटर सॉलिड, बीच का लिक्विड, और अंदर का जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, सॉलिड। इसके पीछे रीजन क्या है और इसको हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, ये डायग्राम आपको कॉमन कहीं भी देखने को मिल जाता है। अब देखिए जो अर्थ है, हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी और इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या देखने को मिला कि जो सेंटर पार्ट है वो कैसा है, सॉलिड है। सेंटर पार्ट है वो कैसा है, सॉलिड है। जो बीच वाला पार्ट है वो कैसा है, लिक्विड फॉर्म में, और सबसे बाहर वाला क्या है, सॉलिड। सबसे बाहर वाला जो सॉलिड है उसमें एक तो अर्थ क्रस्ट भूपपड़ी है, दूसरी आउटर मेटल लेयर यानी बाह्य धात्विक परत है, जो ठंडी होने की वजह से क्या हो गई है, सॉलिड हो गई है। जो ठंडी होने की वजह से क्या हो गई है, सॉलिड हो गई है। बीच वाले का टेम्परेचर हम बात कर रहे थे कि 3000 से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस तक है, क्योंकि इनर मेटल लेयर का 3000 था और आउटर कोर का 4000 था, तो हमने बोल दिया 3000 to 4000 डिग्री सेल्सियस है। और जो सबसे सेंटर में है वो सॉलिड इस वजह से है क्योंकि हैवी मेटल है, बाकी टेम्परेचर तो यहां भी कितना है, 5000 डिग्री सेल्सियस है, 5000 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ज्यादा आपको टेम्परेचर है वो देखने को मिलता है। अब देखिए स्टूडेंट, अंदर का पार्ट अभी ठंडा नहीं हुआ, मैंने कल भी बताया था धरती है, अब वो सूर्य का टुकड़ा था, अब पता नहीं सूर्य का टेम्परेचर कितना का है, अंजप्शन है, ये बहुत आग थी लेकिन उससे अलग हो गया तो उसको लगातार एनर्जी नहीं मिल रही है, इस वजह से उसका सरफेस क्या हो गया, ठंडा हो गया। जैसे समोसा होता है वो बाहर से ठंडा हो जाता है ना, कई बार खा लेते हैं आलू मुंह में चिपक जाता है ना, धोखा हो जाता है।
तो वैसे ही धरती अभी बाहर से ठंडी हुई है, अंदर से अभी ठंडी नहीं हुई है, अभी टेम्परेचर बहुत है। इसीलिए बहुत सारे अंजप्शन है अर्थ के डेवलपमेंट्स को लेकर या अर्थ के ओरिजिन को लेकर, धरती की उत्पत्ति को लेकर। और जो सबसे ज्यादा जिस अंजप्शन को बल मिलता है, मजबूती मिलती है, वो यही है कि ये सूर्य का टुकड़ा है। ये प्रूफ करने के लिए काफी होता है, ये सूर्य जैसी आग रख रहा है, सूर्य जैसा इसका तापमान है, लेकिन जो आउटर लेयर है वो क्या हो गई है, इसकी ठंडी हो गई है। जो बाह्य परत है वो क्या हो गई, इसकी ठंडी हो गई, अंदर आज भी इतना टेम्परेचर इसके अंदर है। अब देखिए ये जो बाहर वाली जो लेयर ठंडी हुई है, अब अपना सोइल साइंस स्टार्ट हो गया समझ लो। जो बाहर वाली लेयर ठंडी हुई है ना, ये बाहर वाली जो लेयर है, एक साथ ठंडी नहीं हुई है, ऊपर से थोड़ी ऊपर ठंडी हुई है ना, फिर उसके बाद नीचे और ठंडी हुई, फिर और नीचे ठंडी हुई, तो इस तरह से इसमें क्या है, परतें बनती गई। क्या बनती गई, परतें। तो इस अर्थ के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, प्लेट्स देखने को मिलेगी। ये जो प्लेट होती है इनको हम प्लूटेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, प्लूटेन्स बोलते हैं। कई बार भूकंप की आप न्यूज पढ़ते हैं तो उसके अंदर पढ़ते होंगे कि वहां पर जो प्लेटें हैं वो खिसक गई और इस वजह से धरती है वो वाइब्रेट हुई है, हिली है। तो इस धरती के अंदर क्या आपको देखने को मिलेगा, प्लेट्स है वो देखने को मिलेगी। इसके नीचे लिक्विड है और आपको ही पता है जब किसी चीज को गर्म करते, अब ध्यान देना सबसे ज्यादा, जब किसी चीज को गर्म करते हैं या उसको मतलब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, सो टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उसका वॉल्यूम आयतन बढ़ता है। किसी भी चीज को आप गर्म करेंगे तो भी आयतन बढ़ेगा और ठंडा करेंगे तो भी आयतन बढ़ेगा। जैसे पानी को बर्फ में कन्वर्ट करते हो, वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हो, तो कितना परसेंट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, 9% वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। पानी को जब आप गर्म करते हो तो वो क्या है, वाष्प बनकर ऊपर उठता है, वेपर बनकर क्या है, ऊपर उठता है, वेपराइज होता है। क्यों ऊपर उठा, क्योंकि वो हल्का हुआ, क्योंकि वो फैल गया, उसका वॉल्यूम बढ़ा। तो जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो क्या है, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेगी, लगातार ये लिक्विड है ये इस पर जोर लगाता रहेगा, बाहर निकलने की कोशिश करता रहेगा। ये जो लिक्विड है अंदर, इसको मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मैग्मा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और आपको ही पता है जिस बंदे में गर्मी होती है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, मतलब लड़ने की कोशिश करता है, है ना, कुछ ये कर दूं वो कर दूं, वो ही चीज होती है उसके अंदर। तो ये मैग्मा, इसका टेम्परेचर बहुत है, ये हमेशा बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, अपनी जगह से दूसरी जगह जाने, क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब कई बार ये मैग्मा इसे बाहर निकलता है और इन प्लेटों की जो खाली जगह होती है उसमें चला जाता है, लेकिन बाहर निकलने में कामयाब नहीं होता है। इन प्लेट्स के अंदर, इनको प्लूटेन्स बोलते हैं, इन प्लूटेन्स के अंदर ही क्या है, इधर उधर फैल जाता है और धीरे धीरे ठंडा होकर यहीं जम जाता है, यहीं सेटल हो जाता है। कई बार ये मैग्मा क्या है, जगह बना लेता है ऐसे, है ना, और जगह बनाता हुआ कहां है, ये बाहर चला जाता है, बाहर निकल जाता है। जब ये बाहर जाता है तो कोई बीच में खाली जगह मिलती है, वहां भी फैल जाता है, वहां भी सेटल हो जाएगा, जम जाएगा, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा और बाहर भी चला जाएगा। अब ये बाहर चला जाता है तब आप इसको वोल्केन बोलते हैं। वोल्केन बोले तो ज्वालामुखी का फटना बोलते हैं। वोल्केन बोले तो ज्वालामुखी का फटना। ये मैग्मा बाहर आ गया है, अब आप इस मैग्मा को लावा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लावा। जब बाहर आ गया तब आप इसको लावा भी बोल सकते हैं। ये बाहर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और जम जाएगा। अब ये ठंडा होके चाहे अंदर जमा चाहे बाहर जमा, तो इसने तो बनाई तो रॉक है ना, चट्टानी बनाई है इस धरती पर, इस अर्थ पर। सबसे पहले इसी तरह से रॉक्स बनती है, चाहे वो अर्थ के अंदर बन रही है चाहे वो अर्थ के बाहर बन रही है। तो ये दोनों ही तरह की रॉक है, ये धरती पर सबसे पहले बनने वाली रॉक है, इसलिए आप इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक बोलते हैं, यानी प्राथमिक चट्टान बोलते हैं। क्या बोलेंगे आप इसे, प्राथमिक चट्टान बोलते हैं। प्राइमरी रॉक है वो किसके जमने से बनी है, मैग्मा या लावा के सेटल होने से बनी है। मैग्मा का टेम्परेचर क्या है, 3000 डिग्री सेल्सियस है, अपने आप में ये एक आग के समान है और आग के जमने से ये रॉक्स बनी है। और लेटिन में एक शब्द है इग्नस, इग्नस का मतलब होता है आग। तो इन रॉक्स को आप इग्नस रॉक भी बोल सकते हैं, इग्निस रॉक भी बोल सकते हैं, यानी अग्न्य चट्टान भी बोल सकते हैं। और आपसे पूछ ले कि इग्निस वर्ड कौन सी लैंग्वेज का है, तो आप बोलेंगे कि लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। जो प्राइमरी रॉक है उन्हें ही आप क्या बोलेंगे, इग्निस रॉक बोलेंगे। अगर प्राइमरी रॉक अंदर सेटल हुई है, कहां सेटल हुई है, अंदर ही बनी है,
तब आप इसको इंट्रेसिव रोक बोल सकते हैं। इंट्रेसिव रोक बोल सकते हैं, इंट्रेसिव का मतलब होता है आंतरिक चट्टान। क्या बोल सकते हैं आप इसको? आंतरिक चट्टान। देखो प्राइमरी रोक या इग्निस रोक मैग्मा के सेटलमेंट के आधार पर दो प्रकार की होती है। एक तो होती है इंट्रेसिव यानी आंतरिक चट्टान, ये प्लेट जो होती है प्लूटेन्स होती है उसके बीच में मैग्मा जम गया उसको बोलते हैं इंट्रेसिव रोक। ये प्लूटेन्स के बीच में जमा इसलिए आप इसको प्लूटेनिक रोक भी बोलते हैं। चट्टान नहीं पढ़ा रहा हूं अभी मैं आपको पूरे सोयल का एक नजरिया बता रहा हूं, पूरे अर्थ का एक नजरिया बता रहा हूं जिससे आपको कोई चीजें समझनी नहीं पड़ेगी। देखिए तो ये क्या है जो अंदर जमा हुई है प्लेट्स के बीच में जमा हुई है इसलिए इसको प्लूटेनिक रोक या फिर इंट्रेसिव रोक बोलते हैं। तो प्राइमरी रोक दो प्रकार के, पहली है इंट्रेसिव जैसे आप ग्रेनाइट, और भी बहुत सारे एग्जांपल है जैसे ग्रेनाइट एग्जांपल है। दूसरा इसका टाइप होता है एक्सट्रेसिव रोक। एक्सट्रेसिव रोक का मतलब होता है बाह्य चट्टान। क्या होता है? बाह्य चट्टान होता है। एक्सट्रेसिव रोक का मतलब होता है बाह्य चट्टान। ज्वालामुखी फटी, वोल्केन, उससे मैग्मा निकला और वो जम गया धरती के बाहर, इसलिए इसको बोल दिया एक्सट्रेसिव या बाह्य चट्टान। ज्वालामुखी के फटने से या वोल्केन से ये रोक बनी है तो आप इसे वोल्केनिक रोक या ज्वालामुखी चट्टान भी बोल देते हैं। तो मैग्मा के सेटलमेंट के आधार पर प्राइमरी या इग्निस रोक दो प्रकार की होती है, जैसे इंट्रेसिव जो अंदर जमा हो जिसको आप प्लूटेनिक रोक भी बोल सकते हैं, दूसरी जो वोल्केन से बनी है जिसको आप एक्सट्रेसिव बाह्य चट्टान या फिर वोल्केनिक रोक भी बोलते हैं, जैसे आप एक पॉपुलर रॉक्स का नाम जानते होंगे बेसाल्ट, वो कैसी है? एक्सट्रेसिव। और भी बहुत सारी है लेकिन मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो ये हो गया इंट्रेसिव और एक्सट्रेसिव रॉक। अब बात आती है मिनरल्स की, खनिज की। देखो मिनरल्स या खनिज, बहुत सारे स्टूडेंट के ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता है। मिनरल्स यानी खनिज, सबसे पहली बात तो अगर मैं पूछ लूं आप लोगों से, अभी तो आप लोगों को चैट है वो अलाउ नहीं है, जैसे ही डेमो खत्म हो जाएगा चैट अलाउ है, कि आप सोयल का एक डायग्राम पढ़ेंगे अगर वो ऑलरेडी आप पहले से जानते हैं कि सोयल का 50% पार्ट है वो सॉलिड होता है और 50% पार्ट होता है वो पोरोसिटी होती है, और सॉलिड वाले में आप बोलते हैं कि 45% मिनरल होते हैं और 5% है वो क्या है ऑर्गेनिक मैटर है और 45% क्या है मिनरल्स, मिनरल्स बोले तो खनिज होते हैं, ऐसा डायग्राम आप पढ़ते हैं। दूसरे ही जगह पे मैं पूछ लूं कि आप लोगों ने सोयल में कभी जो खनिज है मिनरल्स है वो निकाल के देखे हैं क्या? सोयल है उसमें से आपने मिनरल्स यानी खनिज है वो निकाल कर देखे हैं क्या? बोलेंगे नहीं जी नहीं देखे हैं। अरे भाई आप चारों तरफ नजर घुमाइए, आपको दो ही चीजें नजर आएगी, या तो ऑर्गेनिक या फिर क्या नजर आएगा मिनरल नजर आएगा, या तो ऑर्गेनिक मैटर कोई नजर आएगा या मिनरल्स। आप खुद ऑर्गेनिक है, कोई भी जीवों का अवशेष है जैसे आपके सामने टेबल पड़ा है तो वो टेबल लकड़ी से बना है वो ऑर्गेनिक है क्योंकि वो किसी ऑर्गेनिज्म का हिस्सा है, खुद ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म का हिस्सा, चाहे वो डेड है चाहे वो डीकम्पोज है चाहे उसका रेजिड्यूस है वो ऑर्गेनिक मैटर है। उसको छोड़ के आप अभी जिस कमरे में बैठे हैं उसमें लगी हुई ब्रिक्स इंटे हैं, उस पे लगी हुई सीमेंट है, वहां कोई लोहे की चीज लगी है एल्युमिनियम की लगी है, आपने कुछ चांदी का सोने का पहन रखा है, वो सब मिनरल्स है, वो सब क्या है खनिज है। अब मिट्टी की तरफ देखें, मिट्टी के आप कुछ भाग को ले लें और उसमें से देखें जो सोयल के पार्टिकल है वो खनिज है और जो ऑर्गेनिक जीवों के अवशेष है वो क्या है ऑर्गेनिक मैटर है। तो ये मिट्टी खुद ही मिनरल्स है और इसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी है, तो क्यों नहीं देखे आपने मिनरल्स? मिनरल्स बहुत देखे हैं, समझ रहे हो ना? तो मिनरल्स का मतलब आप समझ गए ना, जो नॉन ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है वो सब मिनरल्स है सोयल के अंदर, वो सब क्या कहलाते हैं मिनरल्स कहलाते हैं। तो आज से पहले जिसने सोयल में मिनरल्स नहीं देखे थे वो सोयल को देख लो और सोयल के एक कण को उठा लो वो भी मिनरल्स है, पूरी सोयल मिनरल्स है और उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी है, वो कितना होता है 5%, लेकिन भारतीय मृदाओं में 5% नहीं होता है, ठीक है? चलिए वो बाद में बात करेंगे कि इंडियन सोयल में कितना होता है मिनरल्स। देखो मिनरल्स क्या है, एक होता है प्राइमरी मिनरल्स और एक होता है सेकेंडरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स वो मिनरल जो इस अर्थ पे सबसे पहले आता है वो प्राइमरी मिनरल्स होता है। मैं कह रहा हूं ना ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसको जब हम एंड तक ले आए ना तो आप बोलोगे कि हाँ मजा आ गया आज। तो देखिए प्राइमरी मिनरल्स और सेकेंडरी मिनरल्स, प्राइमरी मिनरल्स क्या होता है इस अर्थ पे जो सबसे पहले आते हैं वो प्राइमरी मिनरल्स है। जब तक वो उसी फॉर्म में रहते हैं उसी अवस्था में रहते हैं कोई केमिकल ब्रेकडाउन नहीं होता, मेरा कहने का मतलब कोई रासायनिक तोड़ नहीं होता उसमें, रासायनिक चेंज नहीं होता है जिसमें, कोई केमिकल ब्रेकडाउन नहीं होता है, यानी उसका जब तक फॉर्मूला चेंज नहीं होता है तब तक वो प्राइमरी मिनरल्स ही रहेगा, प्राथमिक खनिज ही रहेगा।
जब उसमें केमिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा यानी कोई रासायनिक क्रिया हो जाएगी और उसकी फॉर्म ही बदल जाएगी, तब वो क्या किसमें बदल जाएगा? सेकेंडरी मिनरल्स में बदल जाएगा, यानी द्वितीय खनिज के अंदर है वो बदल जाता है, सेकेंडरी मिनरल्स के अंदर वो चेंज हो जाता है जब उसमें केमिकल बदलाव होगा। अब बच्चे सीधा सा पढ़ लेते हैं कि प्राइमरी मिनरल्स इस अर्थ पे जो सबसे पहले आता है उसका पैट फॉर्मूला होता है, फिक्स उसका सूत्र होता है, जब वो टूट जाता है तब वो सेकेंडरी। अरे भाई टूटने से सेकेंडरी मिनरल्स नहीं होता। मान लो कि ये लोहे की छड़ है, मैं इस लोहे की स्टिक को दो पार्ट में तोड़ दूं, अब मैं बोलूं कि ये क्या, आप बोलेंगे लोहा, आप बोलेंगे ये लोहा, तो अभी तक तो वही मिनरल्स है ना जो पहले ये था, तो तोड़ने से कभी भी सेकेंडरी मिनरल्स नहीं बनता है। मैं इस आयरन के अंदर मैग्नीज डाल दूं, कुछ कार्बन डाल दूं, अब इसको स्टील बना दूं, तो अब ये मिनरल चेंज हो गया, आयरन से क्या बन गया, स्टील बन गया, तो ये दूसरा मिनरल हो गया, तब ये चेंज हो गया, समझ रहे हो ना आप। तो प्राइमरी मिनरल्स जो धरती पे सबसे पहले आता है वो प्राइमरी मिनरल्स है, और धरती पे सबसे पहले रॉक की कौन सी आ रही है, प्राइमरी रॉक्स आ रही है, तो इस प्राइमरी रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स होगा वो धरती पे आने वाला सबसे पहला मिनरल्स होगा, और अभी तो ये रॉक्स में जम चुका है, अभी तो टूटी नहीं है, टूटने के बाद तो ये दूसरी रॉक बन जाएगी, फिर तो ये इग्निस रॉक कहलाएगी नहीं, तो इग्निस रॉक में हमेशा ही प्राइमरी मिनरल्स होता है, इग्निस रॉक में हमेशा ही प्राइमरी मिनरल्स होता है, कभी भी सेकेंडरी मिनरल्स होता ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, ये इतना टेम्परेचर था मेगमा का 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस, इसमें कोई ऑर्गेनिज्म पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो कभी भी इग्निस रॉक में कोई ऑर्गेनिक मैटर होता ही नहीं है, कोई फॉसिल होता ही नहीं है, कोई जीवाश्म होता ही नहीं है, कोई जीव का अंश कभी नहीं होगा इग्निस रॉक के अंदर। तीसरी चीज, ये लिक्विड है, इसमें कोई पार्टिकल नहीं है, कण नहीं है, ये लिक्विड एक साथ जमा होता है, इसमें कोई पार्टिकल नहीं है, ये धीरे धीरे एक साथ सेटल होगा, इसमें न तो कोई लेयर होगी न इसके अंदर कोई पार्टिकल होगा, और जब जहां पार्टिकल होते हैं ना वहीं पे बीच में स्पेस बचते हैं, वहीं पे पोर होते हैं, न तो इसमें कोई पार्टिकल होगा न इसमें कोई लेयर परतें होगी न इसमें कोई पोर होगा। जिसमें पार्टिकल नहीं है, जिसमें कोई लेयर नहीं है, जिसमें पोर नहीं होती, वो क्रिस्टलीय फॉर्म होती है। तो इग्निस रॉक होती है वो क्रिस्टलीय फॉर्म के अंदर होती है, और जो क्रिस्टलीय होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, इग्निस रॉक होती है वो मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ध्यान रखिएगा, सबसे मजबूत होती है इग्निस रॉक जो होती है। इसमें जब पोर नहीं है, इसके ऊपर पानी डालेंगे तो पानी अंदर नहीं जाएगा, इग्निस रॉक हमेशा ही नॉन परमेबल होती है, अपारगम्य होती है, कभी भी पानी की एंट्री इसके अंदर होती ही नहीं है, नॉन परमेबल, न ऑर्गेनिक मैटर है इसके अंदर, न ही इसमें कोई फॉसिल जीवाश्म है, ये क्रिस्टलीय फॉर्म में होती है, जिसमें जोड़ नहीं होता है, जिसमें पार्टिकल नहीं होती है वो क्रिस्टलीय होती है, क्रिस्टलीय होती है, पार्टिकल नहीं होते, लेयर नहीं होती है, पोर नहीं होती है, प्रेमेबिलिटी पारगम्यता इसकी नहीं होती है, ये इग्निस रॉक की प्रॉपर्टी है। अब इग्निस रॉक जब आगे पढ़ेंगे तो उसका बेसिक पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई एक दो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ने पड़ेंगे और एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए नेक्स्ट चीज आती है, ये इग्निस रॉक है ये वेदर्ड होगी, टूटेगी, टूटने के कई कारण बनते भाई, टूटने के पीछे फिजिकल भौतिक कारण भी होता है, बायोलॉजिकल जैविक कारण भी होता है, केमिकल कारण भी होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। ये इग्निस रॉक टूटेगी और टूटकर ट्रांसपोर्ट होगी और ट्रांसपोर्ट होकर कहीं दूसरी जगह जाकर सेटल हो जाएगी, धीरे धीरे जमती रहेगी। ऐसा नहीं है कि इग्निस रॉक एक ही दिन में टूट गई है और एक ही दिन में ट्रांसपोर्ट हो गई है, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे टूटती है, पानी के साथ ट्रांसपोर्ट होती है। अगर पानी के साथ, वाटर के साथ अगर मटेरियल जा रहा है तो एल्यूवियम बोलते हैं, तो एल्यूवियम क्या है, यहां पहुंच जाएगा, यानी इग्निस रॉक टूटती रहेगी और यहां पर पहुंचती रहेगी, है ना, धीरे धीरे, और वहां पर जाते ऐसे धीरे धीरे जमती रहेगी। दूसरा, कई बार ऐसा होता है जैसे ये इग्निस रॉक है, ये ऊपर से टूट रही है, लुढ़क के यहां नीचे आ रही है, यहां जम रही है, तो ये ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे लुढ़क के आ रही है, तो जो गुरुत्वाकर्षण के कारण मटेरियल नीचे लुढ़क के आता है वो कोल्यूवियम होता है, तो ये कोल्यूवियम नीचे नीचे आता रहेगा और यहां जमता रहेगा, यहां भी तो ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन तो हुआ है, चाहे वो ग्रेविटी की वजह से हुआ है, चाहे थोड़ा सा हुआ, हुआ तो है ना, तो यहां तक आकर धीरे धीरे जमती रहेगी। हो सकता है हवा के साथ, है ना, हवा के साथ उड़ के क्या है, मटेरियल थोड़ा थोड़ा टूट के ये धीरे धीरे यहां पे जमा होता गया, तो तब इसको जो मटेरियल है उसको एओलाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एओलाइंस। और भी होते हैं, ल्यूस्ट्राइन होते हैं, मोराइन होते हैं, अभी उनकी बात नहीं करेंगे, अभी हमें समझना है कि सोयल बनती कैसे है ताकि हम सोयल को आगे ढंग से समझ पाए।
तो इग्निस रॉक टूटेगी, उसके पीछे भौतिक कारण यानी फिजिकल रीजन हो सकता है, बायोलॉजिकल यानी जैविक। ये कारण क्या है? आप सोचते हो यार भौतिक होता क्या है, जैविक होता क्या है, बताएंगे आगे जब वेदरिंग का टॉपिक आएगा ना, अभी तो इंट्रोडक्शन की बात है। तो इन रीजन की वजह से टूटती है और ट्रांसपोर्ट होती है, परिवहन होता है, दूसरी जगह जाकर धीरे 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 जमती रहती है। ये ट्रांसपोर्टेशन एयर के साथ हो सकता है यानी एओलिन हो सकता है, और पानी के साथ हो सकता है, वाटर के साथ एल्यूवियम हो सकता है, ग्रेविटी के कारण हो सकता है यानी जो गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण हो सकता है, उसको कोलिवियम बोलते हैं। तो किसी भी कारण से ये टूट कर दूसरी जगह जमे, धीरे धीरे जमती रहेगी, और किसी चीज का जमना सेडिमेंशन कहलाता है या अवसाद का जमना कहलाता है, इसलिए हम क्या बोल देंगे इसको, सेडिमेंट्री रॉक बोल देते हैं, और हिंदी में आप इसे क्या बोल देते हैं, अवसादी चट्टान। दिमाग में ये तो फिक्स कर लीजिए कि जो ट्रांसपोर्ट होगी वो ही सेडिमेंट्री रॉक होगी, जो ट्रांसपोर्ट होगी हमेशा वो ही कौन सी रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है, जिसका ट्रांसपोर्टेशन होगा जो परिवहन से बनी होगी वो ही सेडिमेंट्री रॉक होगी, उसी को सेडिमेंट्री बोलते हैं। ठीक है, ये धीरे 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 जमती है, इसलिए इसमें परतें सी बनती रहती है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, प्लेटी रॉक भी बोल देते हैं यानी परतदार चट्टान भी बोल देते हैं, परतदार चट्टान भी आप इसे क्या है बोल देते हैं, तो इसको प्लेटी रॉक्स भी बोलेंगे, है ना। उसके अलावा देखिए स्टूडेंट, प्राइमरी रॉक से बनी है तो आप इसको सेकेंडरी रॉक भी बोल सकते हैं, प्राइमरी रॉक से बनी है तो आप इसे सेकेंडरी रॉक यानी द्वितीयक चट्टान भी बोल सकते हैं, ये बन जाती है द्वितीयक चट्टान। अभी मैं रॉक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, आप देखना मैं क्या पढ़ा रहा हूं, आप अंत तक पहुंचिएगा। ये है सेडिमेंट, सॉरी सेकेंडरी रॉक यानी इसको द्वितीयक, क्योंकि प्राइमरी से बनी है इसलिए आप इसको क्या बोल देंगे, सेकेंडरी। ये मटेरियल ठंडा था भाई, अब ये यहां पे जाके जमा है तो इसमें कोई प्लांट भी उगा होगा, कोई प्लांट्स भी आए होंगे, जहां प्लांट है यानी फूड है वहां पे इसको खाने वाले कुछ एनिमल्स है वो भी पहुंचे होंगे, वो उनके रेजिड्यूस वही मरमरा के यही पौधा सूख के पौधे के रेजिड्यूस इसी में गिरते रहे होंगे। इसका मतलब जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, इग्निस में नहीं था, इग्निस में नहीं था, सेडिमेंट्री रॉक में ऑर्गेनिक मैटर होता है। दूसरा, यहां से रॉक टूटी है उसके पार्टिकल है वो लुढ़कते लुढ़कते यहां पहुंचे हैं, तो इसमें क्या होते हैं आपको लगभग गोल पार्टिकल, यहां इरेगुलर शेप में टूटे लेकिन लुढ़कते लुढ़कते वहां तक पहुंचे तो लगभग राउंड हो गए समझ लो, तो इसमें पार्टिकल्स है वो होते हैं, इग्निस रॉक में पार्टिकल्स नहीं थे। जब इसमें पार्टिकल्स है तो इसमें पोर्स भी होते हैं, इग्निस रॉक में पोर नहीं थे, इसमें पोर्स होते हैं। जब इसमें पोर है तो इसमें प्रेमेबिलिटी होगी, पारगम्यता होगी, इग्निस रॉक में नहीं थी। ठीक है, ये धीरे धीरे जमी है इसलिए इसमें प्लेटें बन गई, परतें बन गई, इसमें लेयर्स होती है, इग्निस रॉक में नहीं थी। तो ये जनरली इसमें पोर्स है, पार्टिकल्स है, लेयर्स है, तो ये नॉन क्रिस्टलीय होती है, ये इग्निस थी, ये कैसी थी, क्रिस्टलीय थी। ठीक है, ये कम मजबूत होती है क्योंकि इसमें पोर्स है, पार्टिकल्स है, लेयर्स है, यानी इसमें जोड़ है, इस वजह से ये क्या होगी, थोड़ी कम मजबूत होगी। तो ये होती है सेडिमेंट्री रॉक, साथ साथ मैंने आपको करेक्टर बता दिया, दिक्कत कहां आई, कोई दिक्कत नहीं। कई तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, अभी क्लासिफिकेशन की बात नहीं करेंगे, लेकिन अब इसमें मिनरल्स कौन सा होगा। देखिए स्टूडेंट, मिनरल्स की अगर बात करें तो ये इग्निस रॉक थी, यहां से टूटकर लुढ़क के यहां पहुंच गई और ये यहां पे सेटल हो गई, हवा के साथ उड़ के कोई पार्टिकल यहां सेटल हो गया, तो अब जरूरी थोड़ी है इसमें कोई केमिकल बदलाव हुआ, नहीं होगा, कई बार नहीं होता है केमिकल, लोहा के टूटने से लोहा ही बनता है, कांच के टूटने से कांच ही बनता है, वैसे प्राइमरी मिनरल्स के टूटने से प्राइमरी मिनरल्स ही तो बनता है, तो सेडिमेंट्री रॉक में प्राइमरी मिनरल्स हो सकता है, सेडिमेंट्री रॉक में प्राइमरी मिनरल्स है वो हो सकता है, तो सेडिमेंट्री रॉक में प्राइमरी मिनरल्स होता है। प्लस जब ये पानी के साथ बहकर आई, वॉटर के साथ आई, तो वॉटर तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्रिया करने वाला होता है, केमिकल में चेंजेस ले आया होगा, जब प्राइमरी मिनरल्स में केमिकल चेंजेस हो गया, कुछ बदलाव हो गया उस फॉर्मूले में, जैसे मान लो कि एनहाइड्राइट क्या है, कैल्शियम सल्फेट है, वैसे ये सेकेंडरी मिनरल्स है, प्राइमरी नहीं, लेकिन बता रहा हूं, अब इसके साथ पानी लगते ही क्या है, ये जिप्सम में चेंज हो जाता है, तो पानी तो रिएक्टिव है, उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज कर देगा, तो सेकेंडरी मिनरल्स भी हो सकता है। तो जो सेडिमेंट्री रॉक होती है ना, उसमें प्राइमरी मिनरल्स भी होता है और सेकेंडरी मिनरल्स भी होता है, प्राइमरी मिनरल्स भी हो सकता है, सेकेंडरी मिनरल्स भी हो सकता है, लेकिन इग्निस रॉक में सिर्फ और सिर्फ हमेशा ही प्राइमरी मिनरल्स होगा। चलिए यहां तक बात हो गई, जो ट्रांसपोर्ट होगी वो सेडिमेंट्री रॉक है। अब तीसरी चीज,
जो इग्निस रॉक जहां थी वहीं पे, सेडिमेंट्री रॉक जहां थी वहीं पे, इग्निस रॉक जहां थी वहीं पे, सेडिमेंट्री रॉक जहां थी वहीं की वहीं, कोई मॉडिफिकेशन कर लेती है, कोई मेटामॉर्फिज्म कर लेती है, कोई रूपांतरण, यानी उसकी पूरी स्ट्रक्चर वो केमिकली चेंज हो जाती है। कारण क्या बनता है बताएंगे, तो हम उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। उसको हम क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित चट्टान, यानी इसने अपनी काया बदल ली, तो हिंदी में इसको कायांतरित भी बोलते हैं। जहां थी वहीं, बिना परिवहन के बदलाव हुआ होगा वही मेटामॉर्फिक रॉक होगी। बिना परिवहन के बदलाव हुआ है वही मेटामॉर्फिक रॉक होती है, चाहे वो सेडिमेंट्री थी चाहे वो इग्निस थी। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल बताता हूं मैं, धरती में बहुत जगह पे आपको कैल्शियम कार्बोनेट है वो देखने को मिल जाता है, यानी चूना देखने को मिल जाता है, राजस्थान में भरा पड़ा है कैल्शियम कार्बोनेट। और चूने की कीमत क्या होती, कई तरह का चूना होता है, आप जानते ही है कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना बुझा हुआ, ये हाइड्रोक्साइड होता है बुझा हुआ, ये कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन चूना पत्थर होता है, उसके अलावा डोलोमाइट भी होता है, एक आप घर वालों को चूना लगाते हैं वो भी चूना होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्साइट की, या लाइमस्टोन की यानी चूना पत्थर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, चूने की कीमत क्या है, उसके बाद अब क्या है, ये जो धरती के नीचे मैग्मा था ये भाई ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहां तक ही पहुंचा हो, लेकिन इस एरिया को तो गर्म कर देगा ना, इसका तापमान कितना है, और हो सकता है ये यहां से ऊपर की तरफ ज्वालामुखी के रूप में फट गया हो, यानी वोल्केन्स के रूप में कामयाब, तो भी इस एरिया को तो गर्म कर देगा क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या है, बहुत है। अब कैल्शियम कार्बोनेट की स्थिति क्या है, ऊपर सोयल है उसका प्रेशर लग रहा है, ऊपर सोयल है उसका प्रेशर लग रहा है, और इधर से टेम्परेचर लग रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट में टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट से ये मार्बल यानी संगमरमर में बदल जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट चुनने की वैल्यू क्या और किसमें बदल गया, ये मार्बल में, जहां था वहीं, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ, कैल्साइट एक सेडिमेंट्री रॉक थी और अब ये क्या बन गया, मार्बल बन गया, तो मार्बल कौन सी रॉक हो जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगी। जहां है वहीं पर उसमें कोई मेटामॉर्फिज्म हो जाता है, उसका रीजन क्या हो सकता है, वॉटर हो सकता है, उसका जो रीजन है वो क्या है, प्रेशर हो सकता है, उसका रीजन है वो टेम्परेचर हो सकता है, है ना, या फिर मतलब जल हो सकता है, तापमान है वो हो सकता है, जो दाब है वो हो सकता है, मतलब इग्निस रॉक पे वॉटर टेम्परेचर या प्रेशर या इनमें से किसी दो का, इनमें से किसी तीन का कंबाइंड इफेक्ट हो सकता है, तीनों का संयुक्त प्रभाव हो सकता है, दो का संयुक्त प्रभाव हो सकता है, एक का प्रभाव हो सकता है, और जिसकी वजह से मेटामॉर्फिज्म हो सकती है, रॉक्स का रूप बदल सकता है, उसे ही मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। अगर ओनली वॉटर से ऐसा हुआ है तो हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म है यानी जल से रूपांतरण है, टेम्परेचर से हुआ है तो थर्मोमेटामॉर्फिज्म है यानी ताप रूपांतरण है, प्रेशर से हुआ है, दाब से हुआ है तो डायनमोमेटामॉर्फिज्म है, और भी कई तरह के मॉर्फिज्म होते हैं। इन दो का, इन तीन का कोई संयुक्त या कोलाबरेटिव इफेक्ट पड़ा है तो हम इसको क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स मेटामॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं ना। तो कैसा भी मेटामॉर्फिज्म हुआ लेकिन ये रॉक्स है, ये पूरी तरह से चेंज हो गई, और उससे बनने वाली रॉक कौन सी होती है, मेटामॉर्फिक। इससे चेंज हुई है चाहे इससे चेंज हुई है, केमिकल चेंजेस तो हुआ है, केमिकल चेंजेस हुआ है तभी तो इसका रूप बदला है। तो मेटामॉर्फिक रॉक में प्राइमरी मिनरल्स तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें तो बदलाव हो चुका है, इसलिए मेटामॉर्फिक रॉक में हमेशा ही सेकेंडरी मिनरल्स होता है, मेटामॉर्फिक रॉक में हमेशा ही सेकेंडरी मिनरल्स होता है, इग्निस में हमेशा प्राइमरी होगा, और जो मेटामॉर्फिक रूपांतरित है उसमें सेकेंडरी होगा, और जो सेडिमेंट्री रॉक है उसमें प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। मेटामॉर्फिक रॉक के करैक्टर फिक्स नहीं है, जैसे मैंने इनके गुण बताए, इग्निस से बनी है तो कुछ इग्निस जैसे करैक्टर होंगे, सेडिमेंट्री से बनी है तो कुछ सेडिमेंट्री जैसे करैक्टर होंगे, जब रॉक्स पड़ेंगे उसके अंदर ये बात होगी। तो सबसे पहले आती है इस धरती पर रॉक्स, कौन सी आती है, प्राइमरी, उससे बनती है सेकेंडरी, और सेकेंडरी से बनती है मेटामॉर्फिक, और प्राइमरी से भी मेटामॉर्फिक बन सकती है, डायरेक्ट प्राइमरी से भी बन सकती है, सेकेंडरी से बन सकती है, इसलिए आप इसको टेरिसरी रॉक कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि डायरेक्ट प्राइमरी से भी तो बन सकते हैं, सिर्फ इसको मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान बोलेंगे। जब इग्निस रॉक है
यानी जो आगन्य चट्टान है उस पर फिजिकल बायोलॉजिकल और केमिकल इफेक्ट पड़ता है वो टूट सकती है, तो सेडिमेंट्री भी टूटेगी, जाहिर सी बात है मेटामॉर्फी भी टूटेगी, हर बार टूट कर ट्रांसपोर्ट होकर दोबारा जमे ये कोई जरूरी नहीं होता है। किसी चीज को जमने को सेडिमेंशन या अवसाद का जमना बोलते हैं ना, यानी आप नहीं नहाओगे सर्दियों में तो मेल जम जाएगा, वो भी तो अवसाद का जमना ही है भाई। तो जरूरी थोड़ी है टूट के हर बार सेडिमेंट्री रोक ही बने, कोई रोक टूटे और वो क्या है फिर से सेटल हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है। मतलब सेडिमेंशन हो, अवसाद हो, किसी चीज का जमना अवसाद का जमना, कचरा जम गया वो भी तो अवसाद का जमना ही होता है, तो जरूरी नहीं है कि सेडिमेंशन हो ही हो। ये जो तीनों रोग है, अच्छा आगन्य से निकाल दिया क्या आपने, दो ये तीनों रोक है, कौन कौन सी, इग्निस है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक, तीनों ही टूटती है, तीनों टूट के वापस भी जम सकती है, अगर ट्रांसपोर्ट होकर जम रही है तो वो सेडिमेंट्री रोक होती है, लेकिन उसका जमना कोई जरूरी नहीं होता है, हो सकता है वो अनकंसोलिडेटेड हो। अनकंसोलिडेटेड का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई जुड़ाव नहीं हो, बिखरी ही पड़ी रहे। रोक सूटेगी, कुछ बड़े टुकड़े होंगे, कुछ छोटे टुकड़े होंगे, कुछ बहुत छोटे टुकड़े होंगे, ये अनकंसोलिडेटेड रूप में हो सकता है, बिना संगठित भी हो सकता है, कोई रोक बने कोई जरूरी नहीं होता है। रोक्स के टूटने से ये अनकंसोलिडेटेड मटेरियल भी हो सकता है और इसको बोलते हैं रिगोलिथ बोलते हैं। क्या बोल दोगे, रिगोलिथ बोलते हो। तो रोक्स के वेदरिंग से, ब्रेकडाउन से जरूरी नहीं है कि वो दूसरी रोक्स में परिवर्तित हो, वो रिगोलिथ भी रह सकता है, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल भी रह सकता है। तो आपसे पूछ ले रिगोलिथ क्या होता है, आप बोलोगे अर्थ की सरफेस पे जो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होता है, असंगठित जो पदार्थ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिगोलिथ। इस पे भी फिजिकल बायोलॉजिकल इफेक्ट लगता रहेगा, इस पे भी फिजिकल बायोलॉजिकल और केमिकल इफेक्ट लगता रहेगा, ये और वेदर होता रहेगा और छोटा होता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब ये रिगोलिथ है वो कितने mm से छोटा हो जाएगा, 2 mm से इसका साइज है वो छोटा हो जाएगा, उस कंडीशन में आप इसको सोलम या सोइल बोल सकते हैं, उस कंडीशन में आप इसको सोलम या फिर क्या बोल सकते हैं, सोइल बोल सकते हैं। तो जनरली क्या होता है, देखो सोइल फॉर्मेशन कैसे होता है, रॉक्स टू रिगोलिथ पहली फेज, रॉक्स टू रिगोलिथ पहली स्टेज है ना, पहली अवस्था, फिर रिगोलिथ टू सोइल यानी दूसरी स्टेज। आपसे पूछ ले कि सोइल है उसका पेरेंट मटेरियल कौन है, रॉक है वो सोइल का पेरेंट मटेरियल है, पहली चीज। दूसरी जो सोइल है वो नेचुरल बॉडी है या सिंथेटिक है, रॉक्स नेचुरल है, रिगोलिथ नेचुरल है, तो सोइल भी कैसा होगा, नेचुरल बॉडी होगा। तीसरा हम बात करें कि सोइल है उसका फॉर्मेशन कितनी स्टेज में होता है, दो स्टेज में होता है, रॉक टू रिगोलिथ और रिगोलिथ टू कौन सा सोइल, यानी चट्टानों से रिगोलिथ का बनना और रिगोलिथ से मृदा का निर्माण होना। तो जो मृदा होती है वो कितने चरणों में बनती है, दो चरणों में आपके सामने है, रॉक से बना रिगोलिथ और रिगोलिथ से क्या बना, सोइल बना। ये बात सबसे पहले किसने समझाई थी, जो सोइल साइंस के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, जेनी। जेनी ने कहा सोइल फॉर्मेशन है वो दो स्टेज में होता है, रॉक टू रिगोलिथ और रिगोलिथ टू सोइल, रॉक टू रिगोलिथ और रिगोलिथ टू सोइल। हमें यहां तक पहुंचने में 1 घंटा लगा है, लेकिन वास्तव में सोइल फॉर्मेशन बहुत स्लो होता है, मृदा निर्माण है वो बहुत स्लो होता है। 1 इंच सोइल की लेयर बनने में, मिट्टी की 1 इंच परत बनने में 800 से 1000 वर्ष, 800 to 1000 years का टाइम लग जाता है, 800 से 1000 वर्ष का टाइम है वो लग जाता है, ठीक है। सोइल का जो पेरेंट्स मटेरियल है वो कौन है, रॉक्स। रॉक्स की वेदरिंग से रिगोलिथ बनेगा और रिगोलिथ से क्या बनेगी, सोइल। सोइल वही होती है जो 2 mm से छोटी है, इससे बड़ा जो होगा वो कंकड़ पत्थर होगा, यानी वो ग्रेवल्स हो सकता है, पबल्स हो सकता है, कुछ भी, लेकिन वो सोइल के अंदर कभी भी काउंट नहीं होता है। अब हम सोइल की डेफिनेशन को फिर से देखें, तब आपको सोइल की डेफिनेशन है वो एक्यूरेट। देखो अब आपको एक मोटा मोटा पता लगा, अर्थ क्रस्ट क्या है, रॉक्स कैसे बनती है, एक रोग से दूसरी रोग कैसे बनती है, इन रोग से रिगोलिथ कैसे बनता है, और रिगोलिथ से क्या है, सोइल है वो कैसे बनती है। ये इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी था, आगे आने वाले सभी टॉपिक में ये बेस रहेगा, बार बार ये बातें अपनी चलती रहनी है, ठीक है। तो अब देखिए जो सोइल होती है उसके अंदर मिनरल कौन सा हो सकता है,
इस सोयल के अंदर प्राइमरी मिनरल्स भी हो सकता है और सेकेंडरी मिनरल्स भी हो सकता है। ये चट्टान सीधी टूट के प्राइमरी मिनरल्स है वो इसमें छोटे छोटे कणों में हो सकता है, छोटे छोटे पार्टिकल में, और जो सेकेंडरी मिनरल्स है वो भी टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में होता है। तो आपसे पूछ ले कि सोयल में मिनरल्स कौन सा होता है, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी दोनों होते हैं। इग्निस में सिर्फ प्राइमरी होता है, मेटामॉर्फिक में सिर्फ सेकेंडरी होता है, और जो सेडिमेंटरी रॉक होती है उसमें प्राइमरी प्लस सेकेंडरी दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, अब हम सोयल की डेफिनेशन पे चलें। तो मैंने सोयल की डेफिनेशन क्या बोली थी, सोयल इज ए नेचुरल थ्री डायमेंशनल बॉडी। मिट्टी है वो एक थ्री डायमेंशनल यानी त्रिमय प्राकृतिक पिंड है। देखो रॉक्स है वो नेचुरल है, तो जाहिर सी बात है उसी की संतान कौन है, सोयल है, तो वो क्या है, एक नेचुरल बॉडी है। सोयल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब मापा जा सकता है, यानी लेंथ विड्थ और हाइट है वो तीनों ही मापी जा सकती है, इसलिए क्या है, थ्री डायमेंशनल। सोयल इज ए नेचुरल थ्री डायमेंशनल बॉडी, मर्दा एक त्रिमय यानी 3D प्राकृतिक संरचना है। अब क्या है, इस सोयल के अंदर प्लांट है उसको फिजिकल स्ट्रेंथ मिलेगी, भौतिक आधार, पौधा खड़ा रहेगा। मान लो कि थोड़ी सी सोयल है और उसमें पौधा खड़ा है, उसकी जड़ें तो ऐसे फैली पड़ी है, थोड़ी सी हवा भी आ जाएगी तो ये पौधा क्या हो जाएगा, गिरेगा, क्योंकि इसको भौतिक रूप से फिजिकली स्ट्रेंथ नहीं मिली है। तो फिजिकली स्ट्रेंथ कौन देता है प्लांट्स को, ट्री को कौन देता है, हमेशा सोयल देती है। अब इसकी जो रूट है वो वाटर एब्जॉर्बेशन कहां से करेगी, सोयल से। न्यूट्रेंट एब्जॉर्बेशन कहां से करेगी, सोयल से करेगी। तो सोयल की डेफिनेशन आपके पास आ गई ना, सोयल इज ए थ्री डायमेंशनल नेचुरल बॉडी फॉर्मेड फ्रॉम रॉक्स वेदरिंग विच प्रोवाइड फिजिकल बेस न्यूट्रेंट्स एंड वाटर टू प्लांट्स। कहने का मतलब जो मर्दा है वो एक प्राकृतिक 3D यानी थ्री डायमेंशनल या त्रिमय प्राकृतिक पिंड है जो पौधों को, जो चट्टानों के अपशे से बनती है, पौधों को जल, पोषक तत्व और भौतिक आधार प्रदान करती है, वही क्या कहलाती है, सोयल। ये सोयल की परफेक्ट डेफिनेशन है। फिर से बोल रहा हूं इंग्लिश और हिंदी में, सोयल इज ए नेचुरल थ्री डायमेंशनल बॉडी विच फॉर्मेड फ्रॉम रॉक्स वेदरिंग एंड प्रोवाइड न्यूट्रेंट फिजिकल बेस एंड वॉटर टू प्लांट। यानी मर्दा एक प्राकृतिक त्रिमय पिंड है जिसका निर्माण चट्टानों के अपशे से यानी उनके टूटने से हुआ है, जो पौधों को जल, पोषक तत्व और भौतिक आधार प्रदान करती है, उसको अपने क्या बोलते हैं, मर्दा। मैंने कहा हमें तो इसको सोयल बनाने में एक घंटा लगा है, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। जेनी ने कहा कि सोयल फॉर्मेशन इज ए स्लो एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। मर्दा निर्माण है एक धीमी प्रक्रिया है लेकिन लगातार जारी रहने वाली है। अभी लगातार जारी रहने वाली बात आपके नहीं समझ में आएगी, लेकिन धीमी प्रक्रिया तो आपके समझ में आ जाएगी, क्योंकि एक इंच सोयल बनने में, 1 इंच सोयल फॉर्मेशन में 800 to 1000 years का टाइम है वो लगता ही लगता है। अब मतलब स्लो एंड कंटिन्यू प्रोसेस यानी धीमी और सतत प्रक्रिया कैसे बोला। अब देखो कहीं ना कहीं चट्टान टूट रही होती है, लगातार चट्टाने टूट रही होती है, लगातार रिगोलित छोटे टुकड़ों में बंट रहा होता है, तो सोयल फॉर्मेशन कंटिन्यू होता है वो। आप जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को समझ में आता जाएगा। ये सोयल का बेसिक पार्ट जरूरी है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा मिनरल्स क्या है, रॉक्स क्या है, सोयल क्या है, रिगोलित क्या है, तो फिर आप सोयल को रट सकते हैं, समझ तो नहीं सकते हैं। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो स्टूडेंट के सामने ये रहा है कि स्टूडेंट से मैं पूछता हूं कि सोयल में मिनरल्स देखा, बोले ना नहीं देखा, तो दिखाएं, बोले हां जी सर दिखा दो, तो वो चीज हो जाती है ना। तो आप इसका मतलब है कॉन्सेप्चुअल नहीं चलते। और मैंने कहा जिसके कॉन्सेप्ट, इसीलिए हमारा सिलेबस, हमारा कोर्स 3 महीने में कभी नहीं पूरा होता है, लगभग 5 मंथ का टाइम लगता है। कोई एग्जाम आ गया तो उसको हमें खिंचवाना पड़ता है ना, थोड़ा स्पीड से चलना पड़ता है, लेकिन आप कंफर्टेबली हो तो 5 मंथ तो मिनिमम लेके चलना, तभी आपका बेसिक क्लियर होगा और फिर कोई सा भी एग्जाम है वो आपका नहीं रुकेगा। चलिए सोयल का इंट्रोडक्शन अपना कंप्लीट हुआ, कल से अपने स्टार्ट करेंगे सोयल का पहला टॉपिक यानी जनरल कंपोजिशन ऑफ सोयल। अब हम किताबी भाषा थोड़ी सी पढ़ेंगे, वो कब से, कल से। ये तो बेसिक बताना आप लोगों को जरूरी था, और ये मैंने बहुत डिटेल से नहीं बताया, बहुत ऊपर से बताया, इतना सोयल के लिए जरूरी है, उसका बेसिक समझने के लिए जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट, बाकी इनके जो फ्री नोट्स है ना वो ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे डले हुए हैं, सैंपल टाइप के नोट्स, तो वहां से आप इस टॉपिक के नोट्स भी एक्सेस है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से है ना, ओके।